इस वीडियो में हम बात करने वाले डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के बारे में, जिसकी जो एक मीटिंग है आज कंडक्ट की गई है और कुछ जो की अप्रूवल्स है AON है वो दिए गए हैं। तो DAC की मीटिंग को हम सभी जानते हैं, चेयर करते हैं रक्षा मंत्री। और यहाँ पर जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट का अप्रूवल दिया गया है तकरीबन 45,000 करोड़ के अराउंड का है। और ज्यादातर जो प्रोडक्ट है इस अप्रूवल में वो बाय इंडियन IDDM कैटेगरी के अंतर्गत है। यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया गया है कि जो चीज पहले तय की गई थी 50% इंडिजिनस कंटेंट की मात्रा, उसको बढ़ा के 60 कर दिया गया है। तो जो पहला अप्रूवल रहेगा वो आर्मी के मैकेनाइज्ड फोर्सेस के लिए है। तो यहाँ पे जो लाइट आर्मर्ड मल्टीपर्पज व्हीकल है उसकी जरूरत को एक्सेप्टेंस दी गई है। तो ये एक LAMV है और इसके अंतर्गत कई सारे जो प्रोडक्ट है वो आ जाएंगे। जो सबसे पहला इंपोर्टेंट प्रोडक्ट रहेगा वो टाटा का रहेगा, जिसको वो कई साल पहले डिस्प्ले कर चुके हैं। टाटा के LAMV में जो सीटिंग कैपेसिटी है वो 4 की है। वी शेप हल दिया गया है ब्लास्ट को झेलने के लिए। जो रियर कंपार्टमेंट है वहाँ पे कार्गो इक्विपमेंट को कैरी किया जा सकता है। जो एक सिंगल रूफ हैच है वो भी यहाँ पे दिया गया है। और जो डोर्स है वो इधर साइड खुल सकते हैं। जो रियर एंड पे डोर है वो भी दिया गया है। तो यहाँ पे जो अपग्रेड की पॉसिबिलिटी है फ्यूचर अपग्रेड को लेके वो काफी ज्यादा है। तकरीबन यहाँ पे 8 टन का ग्रॉस वेट है और जो पेलोड कैरिंग कैपेसिटी है वो 1.5 टन के अराउंड की है। जो एक मास्ट है वो भी अपने रियर एंड पे कैरी कर सकता है, जहाँ पे कमांडर और क्रू के लिए जो इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम है, GPS है या फिर जो रेडियो एंटेना है वो सारी चीजें इक्विप की जा सकती है। यहाँ पर जो ड्राइवर के लिए कैमरा है उसको भी आप माउंट कर सकते हो। जो लेजर रेंज फाइंडर वो दिया गया है, थर्मल इमेजर दिया गया है और अटैक करने के लिए जो 7.62mm गन है, मशीन गन, वो भी आप टर्रेट पे माउंट कर सकते हो। तो ये एक ऑप्शन बन सकता है। यहाँ पे जो इंजन है वो 210 HP का है, जो कि 25 HP पर टन का जो पावर टू वेट रेशियो है वो आपको देता है। बाकी जो फीचर्स है CTIS का या फिर डबल विश वन सस्पेंशन का, वो सारी चीजें यहाँ पे दी गई है। फ्लैट टायर पे रन कर सकता है अच्छी खासी दूरी को। जो मैक्सिमम स्पीड रहेगी वो 105 km/h की रहेगी। और यहाँ पे जो प्रोटेक्शन है वो NIG Level 3 का है, जिसको अपग्रेड किया जा सकता है। तो ये एक ऑप्शन बन सकता है। जो सेकंड ऑप्शन बनेगा वो ऑब्वियसली कल्याणी का M4 है, क्योंकि कई सारे जो रोल है आर्मर्ड मल्टीपर्पज व्हीकल के वो रोल निभा सकता है। तो प्रॉब्ली वो जो कैटेगरी है वो भी यहाँ पे ओवरलैप हो सकती है। जो सेकंड प्रोडक्ट है वो ISATS है, यानी कि इंटीग्रेटेड सर्विलेंस एंड टारगेटिंग सिस्टम। सो बेसिकली ये कॉम्बिनेशन रहेगा सर्विलेंस ड्रोन का लोइटरिंग म्यूनिशन के साथ। और यहाँ पे जो ड्रोन रहेंगे उनके पास वर्टिकल टेक ऑफ की कैपेबिलिटी रहेगी। और जो लोइटरिंग म्यूनिशन मांगा गया है उसको लेके जो लॉन्च कैपेबिलिटी है वो ट्यूब लॉन्च होना चाहिए। तो कोई भी जो ऑन साइट टारगेट है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए जिस तरह के लोइटरिंग म्यूनिशन है वो मांगे गए हैं। यहाँ पे जो पहला रोल रहेगा सर्विलेंस ड्रोन का वो प्राइम रोल रिकॉग्निशन का ही रहेगा, जहाँ पे जो ड्रोन की रेंज रहेगी वो 15 किलोमीटर के अराउंड रहेगी। और जो ऑन द मूव सर्विलेंस है वो कर पाएगा। उसके बाद टारगेट पता होने के बाद ये जो आपके लोइटरिंग म्यूनिशन है जो कि ट्यूब लॉन्च रहेंगे वो जाके टारगेट को हिट करेंगे। और यहाँ पर जो वॉरेड है वो मॉड्यूलर दिया जाएगा, जिसमें जो लोइटरिंग म्यूनिशन है वो टॉप अटैक भी कर पाएगा। रेंज जो रहेगी वो 15 किलोमीटर के अराउंड ही रहेगी। और जो कंट्रोल यूनिट रहेगा, पूरा सेटअप रहेगा, वो किसी टैंक पे या फिर GCS पे रहेगा। तो जो रिक्वायरमेंट है तकरीबन 600 सिस्टम की है, जिसमें जो कॉम्बिनेशन है सर्विलेंस ड्रोन का लोइटरिंग म्यूनिशन का दोनों रहेगा। यहाँ पे जो अगला प्रोक्योरमेंट है वो हाई मोबिलिटी व्हीकल को लेके है। पर्टिकुलरली ये जो व्हीकल होंगे वो टोइंग व्हीकल रहेंगे, जो कि आर्टिलरी गन को टो करेंगे। और इसके लिए जो RFI है वो ऑलरेडी इशू हो चुका है आर्मी के द्वारा। यहाँ पे जो AON है ऑफिशियली दे दिया गया है। नेवी की बात करेंगे तो नेवी के लिए जो नेक्स्ट जनरेशन सर्विलेंस वेसल है, यानी कि NGSV, उसको अप्रूव किया गया है। पर्टिकुलरली यहाँ पे जो हाइड्रोग्राफिक इक्विपमेंट है वो दिए जाएंगे, जो कि समुद्र की सतह पर जो हाइड्रोग्राफी है कर पाएंगे। जो अगला और की अप्रूवल है वो ध्रुव स्तर के प्रोक्योरमेंट को लेके है। तो ध्रुव स्तर के बारे में हमने पिछले मंथ ही बात की थी कि जो सारे ट्रायल हैं कंप्लीट कर लिए गए थे, वहाँ पर जो सिस्टम था वो प्रोक्योरमेंट के लिए तैयार था। तो फाइनली जो एक AON है वो ऑफिशियली दे दिया गया है DRDO के ध्रुव स्तर को। ये एक शॉर्ट रेंज एयर टू सर्फेस मिसाइल है, एंटी टैंक मिसाइल है, जिसको अभी पर्टिकुलरली फायर किया जाएगा ALH Mark 4 से, IEF के ALH Mark 4 से। सो इसका जो DAC अप्रूवल है वो मिल चुका है। जो अगला अप्रूवल रहेगा जिसका इंतजार किया जा रहा था वो 12 के नंबर में Su-30 MKI को लेके है। यहाँ पे बेसिकली अभी IEF के पास 260 के नंबर में Su-30 MKI है, जिसको हमने 272 के नंबर में प्रोक्योर किया था। तो जो भी एयरक्राफ्ट क्रैश हो गए थे उनके रिप्लेसमेंट के रूप में ये जो 12 Su-30 MKI है ये प्रोक्योर किए जा रहे हैं। ये भारत में ही बनाए जाएंगे HAL के द्वारा। और यहाँ पे इस कॉन्ट्रैक्ट की जो लागत पड़ेगी वो $1.5 बिलियन के अराउंड पड़ेगी। तो जो प्रॉब्लम नासिक फैसिलिटी है वहीं से मैन्युफैक्चर किए जाएंगे और एक कम समय में ये जो 12 एयरक्राफ्ट हैं वो IEF को मिल जाएंगे, अगर जो अप्रूवल है CCS का वो आ जाता है तब। यहीं पे जो अप्रूवल है IEF के डोनियर को अपग्रेड करने के लिए, उनके एवियोनिक्स को अपग्रेड करने के लिए वो दिया गया है। सो ये जो सभी AON है वो आत्मनिर्भरता और इंडिजिनस कंटेंट को बढ़ाते हुए दिया गया है। और अभी जो कॉन्क्रीट अप्रूवल है CCS का वो जल्दी दिखेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।